नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है मदर टिंचर वर्सेस पोटेंसी। इन दोनों में कौन सी दवाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इन दोनों के बनाने में क्या फर्क है, इन दोनों की प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, इनके काम करने के तरीके में क्या फर्क है, कौन सी बीमारी में मदर टिंचर को कब देना चाहिए और पोटेंसी वाली दवाई को बीमारी की किस कंडीशन में देना चाहिए, इसके साथ साथ जानेंगे कमजोरी में, नींद न आने में, पथरी में या पुरुषों की प्रॉब्लम में मदर टिंचर ज्यादा इफेक्टिव रहती है या डायल्यूशन। तो अगर आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं या होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल मदर टिंचर पर ही प्रैक्टिस करते हैं। इसके विपरीत बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल डाइल्यूशन पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरे जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो दोनों में ही प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जहां मदर टिंचर का काम होता है वहां पर मदर टिंचर यूज करते हैं, जहां डाइल्यूशन का काम होता है वहां पर डाइल्यूशन यूज करते हैं। तो मदर टिंचर वर्सेस डाइल्यूशन के इस मेरे वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों के बनाने में क्या अंतर है। इसके लिए हम थूजा का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि थूजा को मदर टिंचर में भी यूज किया जाता है और डाइल्यूशन में भी। थूजा पौधे से बनी हुई एक मेडिसिन है। थूजा के पौधे को जब हम 8 से 10 दिन तक एल्कोहल में डाल के गला देते हैं तो इससे उसका एक काढ़ा तैयार होता है। उस काढ़े को छानने के बाद में जो चीज हमें मिलती है ये होम्योपैथिक मदर टिंचर है। 8 से 10 दिन तक जब ये थूजा का पौधा एल्कोहल में गलकर सड़ जाता है, उसके बाद में इस पौधे की जो मेडिकल प्रॉपर्टी है वो एल्कोहल में आ जाती है। तो इस प्रकार हमें मदर टिंचर प्राप्त होता है। अब ये तो बन गया मदर टिंचर, इसका डायल्यूशन कैसे बनाएंगे? थूजा का मदर टिंचर बनाने के लिए हमें एक पार्ट तो थूजा का मदर टिंचर लेना होगा और 99 पार्ट एल्कोहल लेना होगा। जब हम इन दोनों को मिला के डायल्यूट करते हैं तो हमें पहली पोटेंसी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने मदर टिंचर से होम्योपैथी की पहली पोटेंसी बनाई। अब इस पहली पोटेंसी का एक पार्ट और 99 पार्ट अल्कोहल का, जब हम इनको एक जगह मिला के डाइल्यूट करते हैं तो हमें दूसरी पोटेंसी प्राप्त होती है। अब इस दूसरी पोटेंसी का एक पार्ट और 99 पार्ट अल्कोहल का, इनको मिला के डाइल्यूट करते हैं तो हमें तीसरी पोटेंसी प्राप्त होती है। इसी प्रकार डाइल्यूट करते 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 जब 30 बार डाइल्यूट हो जाता है तो इस प्रकार थूजा की 30 पोटेंसी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डाइल्यूशन होता है ये मदर टिंचर से ही बन के तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डाइल्यूशन और मदर टिंचर की प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। जब हम मदर टिंचर से डाइल्यूशन बना रहे हैं तो उस मेडिसिन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। जो मदर टिंचर है उसमें मेडिसिन की फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मदर टिंचर को आप लैब में ले जाकर ये जांच कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी दवाई है, क्योंकि उसमें दवाई की फिजिकल प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन जब हम मदर टिंचर को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी हम पोटेंसी बना रहे हैं, तो मेडिसिन की मटेरियल क्वालिटी कम होती जा रही है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल पावर, लेटेंट मेडिसिनल पावर बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे हम मदर टिंचर को डाइल्यूट करते जाते हैं उसके अंदर से मेडिसिन की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी, उसकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी और उसकी लैटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऊपर आती जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि एक मदर टिंचर के काम करने का तरीका और एक डाइल्यूशन का काम करने का तरीका, दोनों में क्या अंतर है, दोनों कैसे काम करते हैं। दोस्तों, मदर टिंचर हमारी फिजिकल बॉडी पर काम करते हैं। मदर टिंचर कहां काम करेंगे? हमारी फिजिकल बॉडी पर, हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर काम करेंगे, हमारी सेल्स पर काम करेंगे। लेकिन जो डाइल्यूशन होता है उसके अंदर स्पिरिचुअल हीलिंग पावर है, जो कि हमने मेडिसिन को पोटेंटाइज करके उस प्रक्रिया से हासिल की है। वो डाइल्यूशन फिजिकल बॉडी पर काम नहीं करेगा, लेकिन जहां पर हमारी वाइटल फोर्स मौजूद है, पोटेंसी दवाइयां वाइटल फोर्स के लेवल पर जाकर काम करती हैं। अगर हमारी बीमारी फिजिकल लेवल के साथ साथ हमारी वाइटल फोर्स के लेवल तक पहुंच गई है, उसमें मदर टिंचर काम नहीं करेगी, वो हमें पोटेंसी की दवाइयों से ठीक करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो होम्योपैथी के जन्मदाता हैनीमैन ने अपनी बुक्स में जो डिजीज फोर्स बोला है, वो बीमारी का डिजीज फोर्स हमेशा वाइटल फोर्स के लेवल पर ही पाया जाता है, वो फिजिकल लेवल पर नहीं पाया जाता। इसलिए उसका इलाज भी वाइटल फोर्स के लेवल पर जाकर ही करना पड़ता है। इसलिए हम पेशेंट को हाई पोटेंसी होम्योपैथिक दवाई देते हैं, ताकि वाइटल फोर्स के जिस लेवल पर बीमारी है, हाई पोटेंसी उसको वहीं पर जाकर ठीक करेगा। उसके बाद में ये बीमारी फिजिकल बॉडी से भी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर हम फिजिकल बॉडी पर काम करने वाले मदर टिंचर्स दे रहे हैं तो इससे बीमारी में टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों, मदर टिंचर तो हमारी फिजिकल बॉडी पर काम करेंगी, जबकि हाई पोटेंसी दवाई हमारी वाइटल फोर्स पर काम करेंगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मदर टिंचर को हम बीमारी की किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं और डायलेशन को किस कंडीशन में। इसको हम एक पथरी के पेशेंट पर समझ लेते हैं, जिनको बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी रहती है। उनको गुर्दे में पथरी बन जाती है, या पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, या कई बार जॉइंट्स के अंदर पथरी बन जाती है। तो डॉक्टर कैंट इनको लेथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के रोगी कहते हैं।
ये जो लैथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं इनके अंदर पथरी बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक बार इनकी पथरी निकल गई 2-3 साल में दोबारा से बन जाती है। अगर किसी को गुर्दे में पथरी हो गई है तो डॉक्टर उनको बर्बरिस वल्गरिस का मदर टिंचर देते हैं या कैंथेरिस का मदर टिंचर देते हैं, लेकिन ये मदर टिंचर उनकी फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं। अब इन मदर टिंचर के लगातार प्रयोग से पथरी निकल तो जाती है, लेकिन लैथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण से 1-2 वर्ष में पथरी दोबारा से बन जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पोटेंसी का प्रयोग कैसे करना है। अगर आप पथरी बनने की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहते हैं तो आपको लैथेमिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी होगी, जो दो मेडिसिन है, एक तो कैल्केरिया कार्ब 200 और दूसरा लाइकोपोडियम 200। ये दोनों दवाई आपके वाइटल फोर्स के लेवल पर काम करेंगी। तो इन दवाइयों के प्रयोग से आपको जो बार बार पथरी बन रही थी, चाहे वो गुर्दे में है या पित्त की थैली में है, ये दवाइयां आपकी पथरी बनने की प्रवृत्ति को खत्म कर देंगी। तो इस प्रकार आपका संपूर्ण उपचार हो पाएगा। इसी प्रकार पुरुषों की सेक्सुअल प्रॉब्लम में जब उनकी बीमारी नई नई होती है तो हम उनको होम्योपैथिक मदर टिंचर्स देते हैं, लेकिन जब बीमारी पुरानी हो जाती है, बीमारी वाइटल फोर्स के लेवल पर पहुंच जाती है, तो इन्हें हाई पोटेंसी होम्योपैथिक दवाइयां देनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, मदर टिंचर की एक खूबी है कि ये बहुत जल्दी असर दिखा देती है, लेकिन इनका असर टेंपरेरी होता है। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, वो नींद की गोली ले लेता है तो उसे नींद आ जाती है, या किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, वो पेट साफ होने की अंग्रेजी गोली ले लेता है, उसका पेट साफ हो जाता है। तो ये दवाइयां तुरंत काम करती हैं, लेकिन इनका एक्शन बहुत छोटा होता है। जब इनका समय समाप्त हो जाता है तो दोबारा से आपको गोली लेनी पड़ती है। होम्योपैथिक मदर टिंचर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम में इसी प्रकार काम करती हैं कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मदर टिंचर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको पोटेंसी मेडिसिन लेनी ही होगी। लेकिन जब पेशेंट को बहुत जल्दी आराम चाहिए होता है तो उसके लिए हम पोटेंसी दवाइयों के साथ साथ में मदर टिंचर को इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। इन दोनों पावर की होम्योपैथिक दवाइयों को लेते समय हम इनके अंदर बीच में गैप करवाते हैं ताकि मदर टिंचर का अपना लाभ मिल सके और पोटेंसी दवाइयों का अपना लाभ मिल सके। क्योंकि अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, आपको तुरंत लाभ चाहिए, जैसा कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, आपको शरीर में कहीं पर दर्द है या आपको पथरी का ही दर्द है, आपको पथरी को बाहर निकालने के लिए मदर टिंचर का इस्तेमाल करना ही होगा। पथरी बाहर निकल जाने के बाद में आप उसकी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए हाई पोटेंसी होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीमारी की एक्यूट कंडीशन में तुरंत लाभ लेने के लिए साथ साथ मदर टिंचर का प्रयोग भी बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे आज के वीडियो से आप होम्योपैथिक मदर टिंचर और होम्योपैथिक डाइल्यूशन के बीच के अंतर को समझ पाए होंगे। इन दोनों ही दवाइयों का अपना महत्व है, दोनों ही दवाइयां जरूरी हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आपके कोई अन्य मित्र होम्योपैथी में रुचि रखते हैं तो आप उन्हें हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।